हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय कहे। आपने सभी ने ये जो प्रार्थना है बचपन में की होगी, स्कूलों में होती थी हमारे, लेकिन कभी इसका मतलब समझने की कोशिश की है कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय कहे। इसका क्या मतलब है कि हे भगवान, हमें हमारे मन को इतना मजबूत करने की शक्ति दीजिए ताकि हम दूसरों की जय से पहले अपनी जय कर सके। इसका क्या मतलब है, कैसे आप दूसरों की जय से पहले खुद की जय कर सकते हैं? तो देखिए, इस बात का मतलब है कि हर एक इंसान में, हर एक मानव में परमात्मा का अंश है, हर एक इंसान परमात्मा की आत्मा है और हर एक इंसान के अंदर ही भगवान वास करते हैं। इसका मतलब है कि अपने आप को आप दैव्य स्वरूप बनाएं, आप अपने आप को देने वाला बनाएं, अपने आप को दैव्य स्वरूप बनाएं। अगर आपके सामने कोई भी कैसा भी कर्म कर रहा है, उसका कोई भी असर आपके मन बुद्धि मस्तिष्क पर ना पड़े, अपने आप को इतना सक्षम और सबल बनाएं। मन की शक्ति क्या होती है कि आप जहाँ भी रह रहे हैं, आपके आसपास के लोगों का व्यवहार, किसी भी तरह की उनकी जो बातें हैं, आपके मन पर वो घर ना कर जाएं। कोई कुछ भी कर रहा है, बस आप अच्छे कर्म करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अपने मन को इतना मजबूत बनाएं ताकि आप दैव्य स्वरूप बने। आप खुद को, आपको हाँ लगे हाँ कि मैं दैव्य स्वरूप आत्मा हूँ और मैं परमात्मा की संतान हूँ। मैं कभी किसी को कोई दुख दर्द नहीं दे सकती, सिर्फ मैं देने वाली हूँ। मेरे पास खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मेरे पास प्यार ही प्यार है। ये शब्द हैं इसका जो ये प्रार्थना है, इसका यही अर्थ है कि अपने जीवन को आप दैवीय स्वरूप बनाएं, क्योंकि आप एक दैवीय शक्ति हैं, आप दैवीय आत्मा हैं। अगर आप इस तरीके से अपना जीवन जीते हैं तो भगवान का सदैव आप पर आशीर्वाद होता है। डायरेक्ट आप उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं और भगवान की सारी कृपा आप पर बरसती है। आप जो चाहते हैं वो आपको इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन आपकी हो जाती है और आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बदलाव आते हैं। अगर आप बहुत ही सकारात्मक इंसान हैं, आपके जीवन में कभी कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ इन जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर